जायसवाल, आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर हुआ मतदान। इस चरण में 65% से अधिक मतदान होने का अनुमान। दिल्ली की 7, उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, हरियाणा की 10, झारखंड की 4, उड़ीसा की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर डाले गए वोट। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रांची में परिवार के साथ किया मतदान। चंडीगढ़ में कपिल देव ने भी डाला वोट। कहा, हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां मजबूत लोकतंत्र। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे दिग्गजों ने भी डाले वोट। हरियाणा गुरुग्राम की बादशाहपुर सीट से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद का हुआ निधन। 45 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। दरअसल शनिवार की सुबह ही विधायक को आया था हार्ट अटैक, जिसके बाद पालम विहार स्थित मणिपाल में कराया गया था भर्ती। इलाज के दौरान हुई मौत। शिवसेना पार्टी में विभाजन के बाद भी उद्धव ठाकरे परिवार के प्रति वफादार रहे कट्टर शिवसैनिक और पार्टी के दक्षिण मुंबई डिवीजन प्रमुख पांडुरंग सतपाल का हुआ निधन। 61 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुनिया को कहा अलविदा। तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में कराया गया था भर्ती। हिंदी सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर सिकंदर भारती का हुआ निधन। 60 साल की उम्र में मुंबई स्थित अपने आवास में ली अंतिम सांस। ओशिवारा की शमशान घाट में हुआ अंतिम संस्कार। श्रद्धांजलि देने पहुंची कई बड़ी हस्तियां। घर का चिराग, जालिम, रुपए 10 करोड़, भाई भाई, सैनिक सिर उठा के जियो, दंड नायक, रंगीला राजा, पुलिस वाला और 2 फंटूस जैसी कई फिल्मों को किया था डायरेक्ट। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा है तेज रफ्तार का कहर। पुणे के पोर्श कांड के बाद नागपुर में ओवर स्पीड कार में एक महिला, उसके बच्चे और एक अन्य व्यक्ति को टक्कर मारकर कर दिया घायल। हादसे के वक्त नशे में थे कार सवार युवक। पुलिस ने ड्राइवर समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हादसे में घायल बच्चे की हालत गंभीर। आरोपी की गाड़ी से बरामद हुई शराब की बोतलें और मादक पदार्थ। NDPS एक्ट समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज। पोर्श कांड हिट एंड रन केस में बड़ा अपडेट आया सामने। नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उन पर ड्राइवर को धमकाने का लगा है आरोप। ड्राइवर पर झूठा बयान देने और गाड़ी चलाने का दोष खुद पर लेने का बनाया था दबाव। पुणे कार हादसे को लेकर 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई। पुलिस इंस्पेक्टर राहुल जगदाले और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विश्वनाथ को किया गया निलंबित। ये दोनों यरवड़ा पुलिस स्टेशन में थे मौजूद। दरअसल घटना के वक्त मौके पर पहुंचे थे दोनों पुलिस अधिकारी, लेकिन नहीं दी कोई वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की सूचना। लापरवाही बरतने के आरोप में दोनों पुलिस अधिकारी निलंबित। मुंबई सायन इलाके में स्थित लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल हॉस्पिटल में हुआ दर्दनाक हादसा। यहां अस्पताल परिसर के अंदर एक कार ने बुजुर्ग महिला को मारी चक्कर। हादसे में महिला की मौके पर हुई मौत। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए आई जरूरी खबर। कल यानी कि रविवार को मुंबई की 3 लाइनों पर रहेगा ब्लॉक। रेलवे प्रशासन ने की शेड्यूल देखकर यात्रा करने की अपील। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन की 10वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने। 10वीं का रिजल्ट 27 मई को किया जाएगा घोषित। दोपहर 1 बजे ऑफिशियल वेबसाइट पर छात्र देख सकेंगे अपना रिजल्ट। कर्नाटक के दावणगेरे जिले के चिन्नागिरी में पुलिस हिरासत में आदिल नाम के व्यक्ति की मौत होने के बाद जमकर भड़की हिंसा। हिंसक भीड़ ने पुलिस स्टेशन में की तोड़फोड़ और पथराव। पुलिस की कई वाहनों को किया आग के हवाले। दरअसल हिरासत में लिए जाने के बाद बिगड़ गया युवक का स्वास्थ्य और थाने में ही हो गई मौत। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बारूद फैक्ट्री में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग। कई किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। आग की घटना में 6 लोग हुए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष ने सेना का अपमान करने वाले और देश के टुकड़े करने वालों की बात करने वालों को बनाया उम्मीदवार। जनता नहीं देगी ऐसे लोगों को वोट। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले की नंदीग्राम में भाजपा की महिला कार्यकर्ता की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई। तृणमूल कांग्रेस के 25 कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किया गया केस। इलाके में है तनाव जैसी स्थिति। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने किया बड़ा दावा। कहा, पीएम मोदी का हिंदू धर्म भारत के असल हिंदुत्व से है अलग। कहा, पीएम मोदी का हिंदू धर्म भारत का असल हिंदू धर्म नहीं।
बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया बयान, कहा इंडिया गठबंधन की एक और साजिश का कोलकाता हाईकोर्ट ने देश के सामने कर दिया खुलासा, कहा बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों को खटाखट एक झटके में दिया गया ओबीसी का दर्जा, जिसके चलते सरकारी नौकरी में जो लाभ और ओबीसी जातियों को मिलना चाहिए था वो इन 77 मुस्लिम जातियों को मिला। कर्नाटक के उडुपी में कार खरीदने को लेकर गैंग वॉर, सड़क पर दो गैंग के बदमाश आपस में भिड़े, एक बदमाश पर दूसरे ग्रुप ने चढ़ाई कार, रॉड और धारदार हथियार से भी किया हमला, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बरेली में चुनावी रैली के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया बयान, कहा गौ हत्या करने वालों को मत देना वोट वरना हो जाएगा पाप। जयपुर पुलिस ने ईरानी गैंग का किया भांडाफोड़, फर्जी एसपी डीएसपी बनकर करते थे लोगों से ठगी, पुलिस ने इलाके के 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आगे की जांच जारी। राजस्थान के धौलपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला आया सामने, तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी जोरदार टक्कर, हवा में 20 फीट उछलकर दूर गिरा युवक, घटना का वीडियो हुआ वायरल। गर्मी से महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत, महाराष्ट्र में 9 से 10 जून के आसपास मॉनसून पूरे शहर से दस्तक दे सकता है, इसके अलावा मुंबई में 11 जून को मॉनसून के पहुंचने की संभावना। महाराष्ट्र में लोगों को तपती धूप और उमस भरी गर्मी से मिलने वाली है जल्द राहत, मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की जताई है संभावना, विदर्भ समेत कोंकण मराठवाड़ा में भी बारिश का है अनुमान। फिल्म हम दो हमारे 12 के खिलाफ लगातार बढ़ता जा रहा है विरोध, फिल्म में इस्लाम विरोधी अपमानजनक संवाद, दृश्य को हटाने की मांग तेज, मुंबई पुलिस से रजा अकेडमी ने किया डायरेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। गोवा घूमने जाने वालों के लिए अच्छी खबर, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से गोवा के लिए इंडिगो एयरलाइंस सेवा शुरू करने के लिए है तैयार, नागपुर छत्रपति संभाजी नगर से गोवा तक संचालित होगी हवाई सेवाएं, महज 2 घंटे में अब गोवा पहुंच सकेंगे यात्री। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन 24 न्यूज चैनल के साथ बने रहिए और इन 24 न्यूज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।